सो हे गाइस, दिस इज जतिन एंड यू आर वॉचिंग बॉलीव्यूज। आज की इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड मूवी वादे इरादे मूवी के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मूवी वादे इरादे रिलीज हुई थी 2 दिसंबर 1994। मूवी को फ्राइडे के दिन रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करते हैं तो मूवी को 5 में से 2.5 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी। मूवी वादे इरादे एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसको कल्पना भारद्वाज ने डायरेक्ट किया था। ये मूवी कल्पना भारद्वाज के डायरेक्शन में बनने वाली डेब्यूट मूवी थी। वैसे ये जो मूवी है ये कल्पना भारद्वाज की डेब्यूट मूवी तो थी, लेकिन इसी के साथ ये उनकी एज अ डायरेक्टर आखिरी मूवी भी थी। यानी कि इस मूवी के बाद उन्होंने किसी भी मूवी को फिर से डायरेक्ट नहीं किया है। राइटर्स की बात करते हैं, मूवी का स्क्रीन प्ले किया था विजय देवेश्वर एंड डायलॉग्स लिखे थे सूरज सनीम ने। मूवी को प्रोड्यूस किया था कल्पना भारद्वाज, विजय शर्मा एंड अशोक शर्मा ने। वहीं इस मूवी को कल्पना फिल्म्स इसी बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। चलिए कास्ट की बात करते हैं तो मूवी वादे इरादे के अंदर आयुष कुमार, ममता कुलकर्णी, सुचित्रा कृष्णा मूर्ति, विजेंद्र घटके, कुलभूषण खरबंदा, राकेश बेदी, सत्येंद्र कपूर, अंजान श्रीवास्तव, यूनुस परवेज, टीकू तलसानिया, जावेद खान एंड इरफान खान, ये सारे इस मूवी के अंदर नजर आए थे। इस मूवी के अंदर जो लीड एक्टर का रोल था, यानी कि जो आयुष कुमार ने रोल प्ले किया था, इस रोल के लिए एक इंडियन रैपर सिंगर एंड एक्टर है बाबा सहगल। आपने नाम जरूर सुना होगा। तो बता दें कि बाबा सहगल ने भी इस मूवी के लीड रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। फाइनली इस मूवी का जो लीड रोल था वो दिया गया था आयुष कुमार को। मूवी वादे इरादे बॉक्स ऑफिस पर क्लैश हुई थी सुनील शेट्टी की फिल्म गोपी किशन के साथ। अगर आप लोग गोपी किशन का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको ऑलरेडी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। चलिए एक बार आपको इस मूवी की कहानी की एक झलक दे देते हैं। मूवी की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि कॉलेज में पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, जिसके चलते वो बार बार फेल हो जाता है। उस लड़के को पोयम और शायरी लिखने का बहुत ज्यादा शौक होता है, जिसके चलते वो अपना पढ़ाई से ध्यान हटाकर हमेशा पोयम और शायरी लिखता रहता है। लेकिन उसके इसी शौक से और बार बार फेल होने के चक्कर में उसके घर वाले उससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ के चला जाता है। अब घर छोड़ने के बाद उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब इसके बाद कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको इस मूवी को देखना ही होगा। चलिए तो फाइनली वक्त आ चुका है मूवी वादे इरादे के लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बजट और वर्डिट के बारे में चर्चा करने का। तो मूवी का जो इंडिया का टोटल लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 5,75,000 रुपए, 5,75,000 रुपीज का। और मूवी का जो इंडिया का लाइफटाइम टोटल ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस यानी कि जिसमें टैक्स जीएसटी इंक्लूड हो जाता है, तो वो हुआ था 9,02,750, 9,02,750 रुपीज का मूवी का लाइफटाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था। बजट की बात करें तो बता दें कि मूवी वादे इरादे टोटल 35 लाख के बजट में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन उस हिसाब से मूवी कहीं से भी अपने बजट को रिकवर नहीं कर पाती है। जिस हिसाब से मूवी वादे इरादे को बॉक्स ऑफिस पर जो वर्डिक्ट दी जाती है वो है डिजास्टर की। जी हाँ दोस्तों, मूवी वादे इरादे बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित होती है। चलिए इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बार मूवी के जो गाने हैं उसके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा कर लेते हैं। तो मूवी के अंदर टोटल 7 गाने थे। सभी गानों को कंपोज किया था जतिन और ललित की जोड़ी ने। गानों के जो बोल होते हैं यानी कि जो लिरिक्स होते हैं वो लिखे थे देव कोहली एंड साथी मदन पाल ने। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड साथ ही शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आप लोगों से मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।